अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नाहिदा परवीन, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम कश्मीर पब्लिक स्कूल इन हंदवारा। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास सिक्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्रैक्शंस। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल थिंग और अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, और अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल और अ ग्रुप which can be written in the form of p by q is called a fraction. Fraction किससे कहते हैं? Fraction is a part. Fraction एक हिस्सा होता है किसी चीज का। जैसे हम कोई circle लेंगे, उसमें हम एक part लेंगे, या कोई triangle लेंगे, हम उसमें एक part निकालेंगे, या कोई भी चीज आपकी मम आपके लिए pizza लाएगी, उसमें एक slice बाहर निकालो, एक slice खा लो, उसको बोलते हैं एक पार्ट हमने निकाला, उसको बोलते हैं क्या? फ्रैक्शन। वो या कोई भी ग्रुप होगा, किसी चीज का ग्रुप होगा, उसमें एक पार्ट बाहर निकालो, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। जैसे मैं एग्जाम्पल लूंगी, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ले लिया, पूरा होल सर्कल ले लिया, उसमें मैंने तीन पार्ट्स किए, 1, 2 एंड 3। तो तीन पार्ट्स मैंने किए, शेड कितने में किया? 1 एंड 2। तो तीन पार्ट्स मैंने किए, उसको मैं नीचे लिखूंगी, लिखा मैंने 3 यहाँ पे। अब 2 को मैंने शेड, जिनको शेड किया है वो मैं ऊपर लिखूंगी, मीन्स न्यूमरेटर, वो आ गया 2/3। तो ये एक फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट दूसरी एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे मैंने फिर से एक सर्कल ले लिया, उसमें मैंने कितने पीसेस किए? 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। शेड कितनों को करना है? 1 किया मैंने, 1 को यहाँ पे शेड, तो क्या कितने आए? जैसे यहाँ पे मैंने पहले एक पूरे सर्कल में कितने पीसेस किए? 3, यहाँ पे 6, वो मुझे डिनोमिनेटर में लिखने, लिखे मैंने डिनोमिनेटर में। शेड कितने को किया? 1, वो ऊपर लिखना है, तो आएगा 1/6। अब मैं फिर से और एग्जाम्पल दूंगी जिनसे आपको समझ आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, इस पूरे सर्कल को मैंने शेड किया, तो ये आएगा 1 होल। मीन्स अगर हम 1/1 भी लिखेंगे, वो हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा, वो 1 आया। अब मैंने यहाँ पे दूसरा सर्कल ले लिया, इसमें मैंने हाफ किया, मतलब दो हिस्से किए इस सर्कल के, एक हिस्से को मैंने शेड किया, पहले मैं देखूंगी कितने पार्ट्स किए, 1, 2 लिखे मैंने नीचे, 2, शेड कितने को किया? 1 को लिखा मैंने, वो ऊपर, तो आएगा 1/2। अब तीसरी, अब मैंने और एक सर्कल ले लिया, इसमें मैंने 4 पार्ट्स किए, 1, 2, 3 एंड 4 लिखे मैंने, 4 नीचे, शेड कितने में किया? 1 में, वो आएगा 1, आ गया 1/4, तो मैंने 1/4 आएगा इसका 1/4। नेक्स्ट इसमें भी ऐसे ही करना है, तो आप देख लो, 1, 2, 3, 4, 4 पीसेस मैंने किए, इसमें लिखे वो मैंने नीचे, शेड मैंने 3 में किए, 1, 2 एंड 3 लिखे, 3, तो आ गया 3/4। अब है नेक्स्ट 1 होल, इसमें क्या हम लिखेंगे? 1 होल, इट मींस कि पूरे सर्कल में हमने शेड किया है। अब दूसरा देखो, इसमें क्यों लिखा है 1/2? क्योंकि इसमें आधे सर्कल में हमने शेड किया है, इस सर्कल को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, मीन्स 2 पार्ट्स किए इस सर्कल को, तो वो आ गया 1/2। अब मैं देख लो तीसरी, वो है 3/3, तीनों को 3 हिस्से मैंने बनाए, 3 स्लाइसेस किए, अब मैंने शेड भी 3 हिस्सों में, वो आएगा 3/3। अब है चौथी, आप देख लो, इसमें 4 ये सर्कल बनाए, 4 पार्ट्स किए, 1 को शेड किया, वो आएगा 1/4। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब है अ फ्रैक्शन कंप्रेसेस टू नंबर्स सेपरेटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन। द नंबर अबो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड द नंबर बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन कंप्रेसेस टू नंबर्स, हमें 2 नंबर्स लेने हैं सेपरेट, अलग अलग 2 नंबर्स लेने बाय ए हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे सीधी एक लाइन हम लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन हम लेंगे, उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन।
द नंबर एबो द हॉरिजेंटल लाइन, और कोई भी नंबर जैसे मैंने यहाँ पे 4 और 7 जो ऊपर वाला पोर्शन होगा जो हम ऊपर लिखेंगे उसको न्यूमरेटर, हॉरिजेंटल के जो ऊपर लिखेंगे एबो पोर्शन में उसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर, एंड जो हम बिलो पोर्शन में लिखेंगे नीचे वाले पोर्शन में उसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4, अब मैंने यहाँ पे डिवाइड 4/7, इट मीन्स कि ये हॉरिजेंटल लाइन है तो ये आएगा 4/7। 4 इसका क्या है न्यूमरेटर एंड 7 इसका क्या है डिनोमिनेटर। क्लियर। नाउ टाइप्स ऑफ ए फ्रैक्शन, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन किसे कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स और कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस मीन्स लाइक फ्रैक्शन मीन्स हैविंग जिनके सेम डिनोमिनेटर्स होंगे, जिनके सेम डिनोमिनेटर्स होंगे उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिए है 1/7, 3/7, 2/7, 6/7। इसका डिनोमिनेटर देखो 7 है, इनका इसका भी डिनोमिनेटर 7 है, इसका भी डिनोमिनेटर 7 है, इसका भी डिनोमिनेटर 7 है, इट मीन इन सब का डिनोमिनेटर क्या है 7 है। या कोई और एग्जांपल ले लो 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 के, इसका ये मतलब कि हमें डिनोमिनेटर सेम लेने हैं उनको बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट अब है अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स और कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन उनको बोलते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो उनके डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स तो पता ही है बिलो द हॉरिजेंटल लाइन जो नीचे वाला पोर्शन है, इन ये डिनोमिनेटर्स हमें डिफरेंट होने चाहिए उनको बोलते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिए 2/3, इसका डिनोमिनेटर देख लो डिफरेंट है, 5/7 इसका भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 6/8 इसका भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 3/9 इसका भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इट मीन्स कि इन उनको सबको बोलते हैं क्या अनलाइक फ्रैक्शन। यह लिखो 4/7, 5/6 नहीं कुछ भी, कोई भी टर्म आप ले लो तो, मगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए उनको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अब है नेक्स्ट यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शंस किसे कहते हैं। ए फ्रैक्शन हैविंग ए न्यूमरेटर एज 1 इज कॉल्ड ए यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैविंग ए न्यूमरेटर, जिस जिनके न्यूमरेटर्स 1 होने चाहिए, अगर हम कोई भी एग्जाम्पल यूनिट फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स ले लेंगे उनके न्यूमरेटर्स 1 होने चाहिए उनको बोलते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन। 1/, जैसे यहाँ पे मैंने दिया एग्जाम्पल 1/2 एंड 1/3 एंड 1/5 एंड 1/6। अब इनको देख लो, इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका भी न्यूमरेटर 1 है, इसका भी न्यूमरेटर 1 है, इसका भी न्यूमरेटर 1 है, इट मीन्स दैट कि यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन में जो भी टर्म आएगी उसमें ये ऊपर मीन्स न्यूमरेटर 1 होना चाहिए तो उसको हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। या कोई भी ले लो 1/8, 1/9 अप टू सो ऑन। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर, जिनके वो फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर्स छोटे होंगे देन किन से डिनोमिनेटर्स से इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें न्यूमरेटर्स छोटे देन लिखने हैं किन से डिनोमिनेटर उनको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर देखो इसका 2, डिनोमिनेटर देखो 3, इट मीन्स न्यूमरेटर छोटा है ना डिनोमिनेटर से तो आ गया 2/3, ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। आप देख लो नेक्स्ट 5/7, 5/7 से छोटा है, 5 न्यूमरेटर है 7 डिनोमिनेटर, इट मीन्स ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/6, 1 छोटा है 6 से, 1 न्यूमरेटर है 6 डिनोमिनेटर, इट मीन्स कि 1/6 प्रॉपर फ्रैक्शन है। या हम लिखेंगे 3/8, 3 प्रॉपर फ्रैक्शन, 3/8, 3 न्यूमरेटर है 8 डिनोमिनेटर है, तो 3/8, 3 छोटा है 8 से तो हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
a fraction whose numerator is greater than or equal to its denominator. वो फ्रैक्शन हुज जिनके न्यूमरेटर्स बड़े होंगे देन किन्स और इक्वल और बराबर होंगे देन इट इज डिनोमिनेटर, जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं उनसे बड़े होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए, इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उनको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए 4/4/3, 4 क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर है, 3 क्या है डिनोमिनेटर, तो 4 बड़ा है ना 3 से, तो आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/5, 7 बड़ा है 5 से, 7 न्यूमरेटर है 5 डिनोमिनेटर है, तो क्या बोलेंगे इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब है 9/9, 9 न्यूमरेटर है 9 डिनोमिनेटर है मगर ये बराबर है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब है 4/4, 4 न्यूमरेटर है 5 डिनोमिनेटर है, 4 न्यूमरेटर है एंड 4 डिनोमिनेटर है, तो ये भी क्या है मगर बराबर है, इनको भी हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब है नेक्स्ट मिक्सड फ्रैक्शन, मिक्सड फ्रैक्शन ए फ्रैक्शन दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर्स एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्सड फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स, वो फ्रैक्शन जिनके जो हमें कॉम्बिनेशन बनानी है किन के साथ, होल नंबर्स के साथ एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, और किसके साथ, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ, इज कॉल्ड, उनको हम बोलेंगे मिक्सड फ्रैक्शन। All improper fractions can be written in the form of mixed fraction. और क्या है, All, जो पूरे सारे improper fractions हैं वो हम written मतलब लिखते हैं कि किस form में, mixed fraction में, किस में लिखते हैं, mixed fraction में। जैसे example देख लो, 2/1/4 is a mixed fraction. 2 देख लो, इसमें 2 whole number है, whole number कहाँ से पहले start होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity. एंड 1/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इट मीन्स 2 एंड 1/4, 2 है होल नंबर, 1/4 है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दो इन दोनों को कंबाइन करके हमें मिक्सर फ्रैक्शन बन गए। तो ऐसी हमें और एक एग्जांपल ले मतलब लेनी है, तो ये होता है मिक्सर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्लियर। अब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, Equivalent fractions can be defined as a fractions with different numerators and denominators that represent the same value. Equivalent fractions can be defined as a fraction. वो हम ऐसे equivalent fraction हम ऐसे define करते हैं, defined as a fraction, वो एक fraction है with different numerators, जिसके मुख्तलिफ numerators हैं and denominators है, जो रिप्रेजेंट करते हैं सेम वैल्यूज, हमें उनके वैल्यूज सेम आने चाहिए, डिफरेंट न्यूमरेटर्स भी होना चाहिए और डिनोमिनेटर्स भी होनी चाहिए लेकिन वैल्यू उनके सेम आनी चाहिए। आप देख लो यहाँ पे मैंने लिखा 1/2, 3/6 and 4/8 अप टू सो ऑन, ये देख लो मैंने डायग्राम में दिए हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये मैंने एक सर्कल ले लिया, इसके मैंने दो पार्ट्स किए, 1/2 दो पार्ट्स, वो मैंने 1 and 2 वो नीचे लिखा, 2 दो पार्ट्स किए सर्कल के, वो डिनोमिनेटर में लिखा, कलर किस में किए, एक में, वो ऊपर लिखा आया 1/2। ऐसे मैंने दूसरा सर्कल ले लिया तो इसमें मैंने 6 पार्ट्स किए, वो लिखा मैंने नीचे, 3 पार्ट्स में कलर किया, वो लिखा ऊपर। अब इनकी हम कसर निकालेंगे, 3 1 और 3 3 2 और 6 आया 1/2, आया सेम वैल्यू। अब तीसरी को देखेंगे, इसमें मैंने 4 हिस्से बनाए, 1, 2, 3 and 4, दो हिस्सों में मैंने कलर किया, वो आ गया 2/4। अब 2 और 4 को कसर निकालो, 2 2 2 2 2 4, तो आ गया ना 1/2। आप देख लो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 पीसेस मैंने बनाए, इसके लिखा मैंने वो नीचे, 4 में मैंने शेड किया, वो मैंने ऊपर लिखे। तो अब इनकी कसर निकालो, 4 1 और 4 4 2 और 8, आ गया सबकी वैल्यू, आई ना 1/2। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम उससे कहते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स डिफरेंट हो मगर उनकी वैल्यू हमेशा हमें सेम आनी चाहिए। तो इसमें 1/2 आएगा, इसमें कसर निकालो वो भी 1/2 आएगा, इसमें कसर निकालो 1/2 आएगा। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं।
नेक्स्ट अब मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट 5/12 30/72. मैंने दो पेयर्स लिए. पेयर्स मीन्स दो जोड़ियां मैंने लिए किसके ऑफ फ्रैक्शंस के. ये फ्रैक्शन है 5/2 वो मैंने लिए 30/72 ये भी एक फ्रैक्शन है. अब हम और इक्विवेलेंट हम देखेंगे ये इक्विवेलेंट है भी या नहीं. बाय मैंने कैसे सॉल्व किया ये बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग द टर्म्स ऑफ द फ्रैक्शन. मैंने इनके क्रॉस मल्टीप्लाई किए 5/12 एंड 30/72. आप 5 को 72 से मल्टीप्लाई करो 5 × 72 इक्वल टू वो किसके बाद 30 को किससे मल्टीप्लाई करना है 12 × 30 वो आया. इसका वैल्यू आया 5 × 2 = 10 5 × 30 तो इसका आया 3 × 5 = 35 और 1 जो कैरी आया वो आया 360. इसका भी वैल्यू आया 360 मल्टीप्लाई करके तो इनकी वैल्यू सेम आई ना. तो ये क्या है ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देयर फॉर 5/12 इज इक्विवेलेंट टू 30/72. सॉरी ये गलती से हो गया. यहाँ पे 30 है 30/72 तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. आपकी एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है आप वो खुद से प्रैक्टिस कर लेना. जो नहीं आएंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना. नेक्स्ट अब है क्वेश्चन नंबर अब है दूसरा क्वेश्चन. राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5. हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं 3/5 के. 3/5 इक्वल पहले हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 से फिर 5 से फिर 6 से. पहले हम 3 से 3 × 2 / 5 × 2 किया वो कितना आया 3 × 2 = 6 × 5 = 10 लिखा मैंने यहाँ पे. नेक्स्ट 3/5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करना है × 3 / 3 3 × 3 = 9 5 × 3 = 15 तो आ गया यहाँ पे 9/15 लिखा मैंने 9/15. अब है नेक्स्ट 3/5 × 4 ऊपर भी करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. 4 किया मैंने 3/4 = 12 5/4 = 20. अब है नेक्स्ट 3/5 और 5 को मैंने ले लिया 3 × 5 / 5 × 5 वो क्या आएगा 3/5 = 15 and 5/5 = 25 इक्वल 3/5 × 6 / 5 × 6 3/5 × 6 = 3 × 6 = 6 3 = 18 5 × 6 = 30. तो ये क्या है ये हमारे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. हम लिखेंगे हैंस द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 और 6/10 9/15 12/20 एंड 15/25 एंड 18/30. अब आप सबको समझ आया. अब आप और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद कर लेना प्रैक्टिस. तो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अनदर लेक्चर. स्टे होम स्टे सेफ. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.